अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गाउटी स्टाइल चिकन के सुक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एकदम ड्राई चिकन बनता है और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। काफ़ी डिलीशियस रेसिपी बनती है ये। तो यहाँ पर मैंने कांदे को और सूखे खोपरे को ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ी सी खसखस ऐड कर दी थी। ये कुछ अखे गरम मसाले हैं। इसमें मैंने यहाँ पर धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और अखी लाल मिर्ची ली हूँ और इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। कलर चेंज होने तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है और फिर निकाल कर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर चिकन में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड की हूँ और थोड़ी सी हल्दी ऐड की हूँ और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे और हाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी। तो इसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे और इसके बाद जो हमने ये जो अखे गरम मसालों को ड्राई रोस्ट किया था उसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसका भी एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसमें सिर्फ यही वाला मसाला आ जाएगा। और पेस्ट के लिए ये जो हमने कांदे को और सूखे खोपरे को रोस्ट किए थे उसमें खसखस ऐड करके उसका भी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर पैन गरम करके उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे हम और कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को तड़का लगने देंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कांदा और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे सॉफ्ट हो जाने तक। ये रेसिपी हमारे कोकण साइड में काफ़ी फेमस है और इसे हम चावल की रोटी के साथ खाते हैं या फिर गेहूं की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। कौन कौन कोकण साइड से है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट किए थे उसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। चिकन को मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं इसे। कांदा भी सॉफ्ट हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक भूनना था हमें। अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे। अब हमें चिकन को अच्छी तरीके से भूनते रहना है और इसमें ज़रा भी पानी का यूज़ नहीं होगा। इसे सिर्फ मसालों में ही भुना जाता है, इसके लिए इतना डिलीशियस बनता है। तो मीडियम फ्लेम पर आपको इसे भूनते रहना है। कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें वो पाउडर ऐड कर देंगे जो मसाला हमने बनाया था, गरम मसाला ड्राई रोस्ट करके उसे पीस कर जो बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करके और अच्छे से भूनेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपको, इस बात का ख्याल रखना, तभी ही टेस्ट इसका अच्छा होगा। और इसे कुछ देर के लिए भूनने के बाद हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर और चिकन को गलने तक हम इसे पका लेंगे। एंड में इसके ऊपर बारीक कटी हुई कोथमीर ऐड कर देंगे और हमारा गाउटी स्टाइल चिकन का सुक्का बनकर बिल्कुल रेडी है। काफ़ी डिलीशियस बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको अगर देसी मुर्गी यूज़ करके बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व की थी गेहूं की रोटी के साथ और नींबू, इसके ऊपर आप नींबू निचोड़ कर खाएं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।